हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शांति, मेरी चैनल जिंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और देखिए मैं कहाँ पे आई हूँ आप लोगों को बताती हूँ। मैं जब आई रास्ते का तो कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन मेरे घर का कुछ दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। कल से मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी। तो देख लीजिए मैं कहाँ पे बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। इसलिए शायद मेरे आवाज़ भी मोटा मोटा आ रहा होगा। मेरा तबीयत ख़राब है अभी, जुकाम खांसी सब कुछ हो गया है मुझे। शायद पानी चेंज हो गया इसके लिए। तो चलिए मैं कुछ मेरे घर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो देखिए ये मेरा टॉयलेट है। ये मतलब कुछ फंड की तरफ से मिला था, मैंने नहीं बनवाया है। शायद ऊपर वाला की मर्जी था इसलिए ये मिला है मुझे। और देखिए इधर इस तरफ है, इधर ये पड़ोसी का घर है, और ये मेरा बीच वाला चाचा का घर है, और इधर कुछ इस तरह का व्यू है। देखिए उधर और भी घर है। जंगल एरिया में ऐसे ही होता है। तो दिखा रही हूँ मैं इस तरह दो चार घर है एक ही परिवार का, मतलब एक ही तीन भाई हैं तो उनका घर है। पूरा लाइन लाइन उधर से ऊपर तक है। और अभी मैं दिखा रही हूँ अपना घर। मेरा घर ये है, अभी अभी बना रही हूँ, देख लीजिए। अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं काम कर कर के पैसा इकट्ठा करती हूँ और लाती हूँ, और थोड़ा 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 जोड़ जोड़ के बना रही हूँ मैं। आप लोग को पता है पैसे के इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसके बाद सेविंग करना और घर बनाना कितना मुश्किल होता है। तो ये दो कमरा मैं बनाई हुई हूँ। ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अंदर भी प्लास्टर करना बाकी है अभी। तो अभी आई हूँ किस लिए वो बता रही हूँ। ये मैं सेकेंड हैंड बाइक ली थी मेरे बच्चों के लिए, जब कॉलेज कर रहे थे उस टाइम। दो साल पहले ली थी मैं, दो साल तो नहीं हुआ है, करीबन दस मतलब 1.5 साल हुआ है। और उधर पुराना घर था मेरे पापा का, वो दिख रहा है दरवाज़ा। वो पुराना घर में पानी बहुत चूता था, जब बारिश होता था तो टपकता था। इसलिए मैं जैसे तैसे करके कोशिश करके कर्जा लेके ऐसे करके एक पैसा इकट्ठा करके दो कमरा जैसे तैसे करके उठा दी हूँ मैं। और ऊपर तो सीट लगाई हूँ, लेकिन ऊपर पराफिट करना बाकी है। और एक ट्रिप ईंटा में ला के रखी हूँ, और पानी यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल होता है। अभी के टाइम में किसी ट्यूबवेल से अगर मैं पानी ले आती हूँ तो वो लोग गाली देंगे मुझे। पीने के लिए लाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कुछ घर बनाते हैं तो ज़्यादा पानी लगता है तो उसमें डांट भी पड़ता है, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ता है पानी का। अगर ट्यूबवेल ख़राब हो गया तो जल्दी बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पंचायत बहुत दूर है, और कोई मतलब कोई बात के लिए सुनवाई बहुत लेट से होता है, जल्दी से कोई सुनता नहीं है। इसलिए मैं वो टैंकर मंगाई हूँ, उसमें एक टैंकर पानी आया है। कल से मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। मेरे बरौंडा जो है उसको उठाऊँगी, जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगी उठाने के लिए। और तो क्या बोलूँगी, पैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बरौंडा में सीट डाल दूँ। इसीलिए मैं आई हुई हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में काम करती हूँ दूसरों के घरों में, और पैसा इकट्ठा करके मैं घर बना रही हूँ। और तो क्या बताऊँगी, मेरे बच्चों से एक से तो मिला पाऊँगी, लेकिन एक से मिला नहीं पाऊँगी क्योंकि एक बाहर गया हुआ है। और बाकी मेरे मम्मी मेरे भाभी लोगों से भी मैं मिलवाने की कोशिश करूँगी। उन लोगों का घर थोड़ा दूर है यहाँ से, उधर जिधर हमारा खेत है उधर बनाए हुए हैं। तो
तो यही बताने वाली थी, इधर खेत है, अभी बारिश होगा तो इसमें खेती भी होगा, इसलिए इधर मैं सामान नहीं गिरा सकती और इधर जगह नहीं है मुझे सामान रखने के लिए, ईंट वगैरह, बालू वगैरह, रेती वगैरह रखने के लिए। इसलिए मैं आ गई हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बना दूँ। यहाँ पे बरामदा, यहाँ पे नेव खुदा हुआ है, इसको यहाँ से जुड़ा ही होगा, यहाँ से जोड़ के उठा के मतलब सीट डालूँगी मैं। तो धीरे धीरे डेली थोड़े छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और मेरे वीडियो को देखेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरा मदद कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं आप लोगों से के साथ जुड़ी हूँ और यूट्यूब फैमिली को अपने फैमिली बनाई हूँ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप जो नए हो मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे मोटिवेट मिलेगा वीडियो बनाने की और आगे आगे मैं आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश करूँगी। तो बस इतना ही आज के लिए, कल काम स्टार्ट होगा तो उसी के बारे में कुछ मैं वीडियो आप लोगों को ला के दिखाऊँगी। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।